हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे दो स्टॉक लाया हूँ जो दोस्तों निफ्टी भागा तो आपको ज़रूर से ज़रूर प्रॉफिट देगा, इतना याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम दोनों प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट गिरता है तो हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है वो भी हमें रेडी रखना चाहिए, अगर मार्केट दोस्तों ऊपर जाता है तो हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए वो भी हमें रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने जो स्टॉक लाया है वो पैसा कमाने वाला नहीं, ज़िंदगी बचाने वाला है। आप सोचिएगा कि ज़िंदगी बचाने वाला कैसे है दोस्तों, एक वेंटिलेटर होता है, ठीक है। वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन होता है दोस्तों जो लोगों को सांस जब नहीं ले पाते हैं, तकलीफ़ होता है सांस लेने में, तो उनको हेल्प किया जाता है उस मशीन से। अभी दोस्तों कोरोना की वजह से लोग बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है कोरोना की वजह से, और लोगों हमारे इंडिया के पास कुछ लोग बोलते हैं कि 50, ठीक है दोस्तों, 50,000 ही केवल वेंटिलेटर है। 125 करोड़, 130 करोड़ की जनता है दोस्तों, और उसमें ये तो मुझे लगता है दोस्तों काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, इससे नहीं हो पाएगा, 50,000 वेंटिलेटर से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी दावा करते हैं कि नहीं, इंडिया में 300K वेंटिलेटर है, मतलब 300K 3 लाख, ठीक है। मैंने बोला भाई ठीक है, चलो तुमने बोला 3 लाख, मैंने बोला 10 लाख, ठीक है। मैंने बोला भाई 10 लाख, तुम्हारे पास 10 लाख है, ठीक है। अब बोलते हैं भाई अब बताइए क्या 10 लाख वेंटिलेटर होने से काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 130 करोड़ की जनता है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब दोस्तों लोगों की जान बचाने के टाइम आई तो एक बुज़ुर्ग थे, ठीक है, और एक दोस्तों मतलब कि छोटे उम्र का बच्चा या लड़का था, ठीक है दोस्तों, तो इनको छोड़ के इनको बचाया गया, क्योंकि इनके पास टाइम कम था जीने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इनको पास टाइम कम था जीने के लिए, तो इनको मार दिया गया। अब हम ऐसे ही बोल सकते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे पास नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, तो हमने क्या किया दोस्तों, जो छोटा इंसान था जो और ज़्यादा और लंबा जी सकता था, हमने उसको बचाया। तो ये गलत है। अब बताइए हमारी इतनी बड़ी सोच सकते हैं, इतनी बड़ी आबादी की दुनिया में हम कितने बड़े हैं, हमारे जैसे देश में बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो 500 करोड़ डोनेट करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंपनी है आपको इसलिए ख़रीदना है कि आपको प्रॉफिट देगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों कंपनी जो है वेंटिलेटर बनाने की काम कर रही है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेवा के लिए कर रही है दोस्तों, जनता के लिए कर रही है, आप लोगों के लिए कर रही है, ठीक है। तो ऐसे कंपनी पे आपको ध्यान रखना है भाई, आपको ऐसे स्टॉक को खरीदना है जो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। ये देख सकते हो दो स्टॉक के बारे में, मैं आपको एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये भी हो जाए सकते हैं दोस्तों। स्टॉक का नाम आपको यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है, और स्टॉक का प्राइस अभी जो है 9931 रुपये चला, ठीक है। तो दोस्तों आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है दोस्तों, आपको यहाँ पर रखना है 9000 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखना है, ज़्यादा लंबा आपको गिरावट नहीं बेर कर, सॉरी दोस्तों 9900 के आसपास रखना, ठीक है। एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 9900 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा बड़ा आप स्टॉप लॉस मत रखिएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट है आप लेते जाइएगा, ठीक है। प्रॉफिट होने के बाद मुझे लगता है कि दोस्तों 11000 के आसपास, जैसे ही दोस्तों मान लीजिए कि 10000 के ऊपर जाएगा दोस्तों, 10900 के आसपास, तो आपको वहाँ प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रखना, ठीक है। तो ये था दोस्तों पहला स्टॉक जहाँ पर आपको ऐसे कॉन्शियसों के ध्यान रखना है। दूसरे स्टॉक में भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टॉक में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 14000 का दोस्तों स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। 14000 का आपको स्टॉप लॉस रख के चलना है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रॉफिट देने के लिए दोस्तों ये जो भी है किया जा रहा है, ठीक है। 40,000 का स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, इसमें जब तेज़ी आएगी तो आपको बहुत 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 अच्छी तेज़ी देखी जाएगी। तो ये वो स्टॉक है जिसमें दोस्तों आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, देख लो ये दोनों स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर आप ख़रीदारी करके अपना अच्छा से अच्छा बेनिफिट कर सकते हैं। और देखो मार्केट ओपन होने में दोस्तों अभी थोड़ा वक्त भी है, ठीक है, हालांकि दोस्तों थोड़ा वक्त है लेकिन वीडियो थोड़ा लेट से बन रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है। मिलते आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।